वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स कुक। आज जो हम कुक करने वाले हैं उसमें एक्चुअली हमें गैस की ज़रूरत नहीं है, हम इसे बिना गैस जलाए कुक करेंगे। तो एक्चुअली हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश, एक डिज़र्ट, और इसे हमें बेक नहीं करना है, इसे हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसे ऐसे ही बनाना है। और ये बनेगा ब्रेड से, और इसे टाइम बिल्कुल नहीं लगता है बनाने में, बहुत ईजी है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। ये एक टाइप का डिज़र्ट है जो ब्रेड से बनता है, इसे ब्रेड पीस भी बोलते हैं या आप इसे ब्रेड पेस्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है बिल्कुल चॉकलेट पेस्ट्री जैसे होता है। तो चॉकलेट के साथ साथ आपको इसमें कोकोनट का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छे से मिलेगा, क्योंकि हम इसमें कोकोनट भी यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे हमने लिए ब्रेड, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं ब्रेड से, साथ में लिए पाउडर शुगर, मक्खन, कोकोआ पाउडर, कोकोनट पाउडर, कॉफ़ी, इस इंस्टेंट कॉफ़ी है जस्ट आपको दूध में मिक्स कर देनी है, और ये है मेरे पास क्रैकर्स। आप क्रैकर्स नहीं ले रहे हैं तो आप इसकी जगह पार्ले जी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़े थे, कोई नहीं खा रहा था, क्योंकि ना तो इसमें स्वीटनेस है और ना ही ये सॉल्टी है, तो बस इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लेकिन पार्ले जी बिस्किट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, और उसमें मैंने डाल दिया है कोकोआ पाउडर, लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने शायद कोकोआ पाउडर डाला है, और साथ में ही हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच चीनी, पीसी हुई चीनी हमें इसमें डालनी है। मीठा जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा चेक कर सकते हैं बना के, इसको कम लगे तो आप बाद में भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और इसे हमें जस्ट मिक्स करना है, इसको हमें विप नहीं करना है, क्योंकि हम विपिंग क्रीम नहीं बना रहे हैं, तो बस जस्ट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो चुका है, इसको करते हैं साइड पे, और चलिए शुरू करते हैं ब्रेड पीस बनाना। तो यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड, और 2 ब्रेड पीस से 1 कप की पेस्ट्री जो है वो बनेगी। तो बस इसकी अंदर की साइड पहले हमें लगाना है, दोनों ब्रेड के अंदर की साइड पहले हमें लगाना है बटर क्रीम, और हम लेंगे क्रैकर। अगर आप पार्ले जी बिस्किट ले रहे हैं तो आपको 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो बिस्किट है वो बड़े साइज का है, तो एक से ही काम हो गया है। तो बस हम ऊपर की तरफ भी अब लगा देंगे बटर क्रीम। और मैंने इसका अंदर की साइड पे भी लगाया हुआ है, वो जस्ट यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ उतना, वो हमने कैप्चर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको दूसरा ब्रेड पीस बनाकर दिखाऊंगी, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। और इसकी हमने नीचे की साइड अभी बटर नहीं लगाया है, हमने सिर्फ ऊपर की साइडों को कोट किया है अच्छे से, क्योंकि हमें इसे हैंडल करना फिर नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। जब ऊपर की साइड और साइड्स पे इसको अच्छे से कोकोनट पाउडर लग जाएगा, फिर हम उसकी जो साइड खाली है उस पर बटर लगा सकते हैं, इसलिए आपके हाथों पे वो बटर चिपकेगा नहीं। तो ये हो चुका है, मैं इसी तरह से आपको एक पीस और बना के दिखा देती हूँ। तो हम ब्रेड पीस लेंगे, और इसकी दोनों साइड पे हमें लगाना है पहले बटर, जो दोनों साइड अंदर की तरफ होंगी। अच्छे से बटर से इसको हम कोट कर देंगे। तो ये हो चुका है, अभी हम इसमें रखते हैं क्रैकर। कॉफ़ी में डिप करना है, क्योंकि इससे कॉफ़ी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, चॉकलेट के साथ कॉफ़ी का फ्लेवर वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है, तो ज़रूर कॉफ़ी का ये वाला जो आप ज़रूर इसमें डालें। बस ऊपर की साइड हम फिर से बटर लगा देंगे, और चारों साइड पे भी हमें लगाना है। अच्छे से कोकोनट पाउडर से हमें इसे कोट कर देना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इसकी जो नीचे की साइड है उस पर भी बटर क्रीम लगा देंगे। बस इस तरीके से ये भी हो गया, और इसके ऊपर भी हम कोकोनट फ्लेक्स डाल देंगे। अब कोकोनट से अच्छे से इसको कोट करें, कहीं से छूटना नहीं चाहिए, काफ़ी अच्छा इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये और खुद से सेट हो जाएगा, तो आपके हाथों पे बाद में ये चिपकेगा नहीं। तो हमारे 2 पीस बन चुके हैं, इसी तरीके से हम तीसरा भी बना लेंगे। तो एक और बना लेते हैं। तो
तो ब्रेड पीस बनाकर मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे, और ये अच्छे से बटर क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है और हमारे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो अभी हम इनको पीसेस में कट करेंगे। हम इसे एज इट एज सर्व नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी बड़ा पीस है, तो या तो इसे आप हाफ में कट करके सर्व करें या फिर आप इसके 4 पीसेस कट कर लें जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। क्योंकि अगर किसी को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है और उसे छोटा पीस चाहिए तो बाइट साइज में कट करके देना बिल्कुल सही है। तो आप इसके ऐसे ही पीसेस कट करें। और प्लस पॉइंट ये है कि हमने सिर्फ 4 पीसेस बनाए थे, उससे हमारे काफ़ी पीसेस बन के रेडी हो जाते हैं अगर हम इसे इस तरह से कट करते हैं। तो इसके अंदर जो बिस्किट है वो आप ज़रूर डालें। ये देखिए हमारे इतने पीसेस बन गए हैं। तो जो कॉफ़ी में हमने डिप करके इसमें बिस्किट डाला है उसका अपना अलग से जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आ रहा है। बिस्किट आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, उसको आपको ज़रूर इसमें डालना है, उसका अलग फ्लेवर आता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। जो भी इसे खाएगा, आप जितनी बार भी बनाएंगे आपको तारीफ़ ज़रूर मिलेगी। काफ़ी अलग रेसिपी है लेकिन काफ़ी लाजवाब है। इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, तो मस्ट ट्राई करें इसे। थैंक यू सो